केएमसी के संस्थापक डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आयुर्वेद को जिया था। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आयुर्वेदिक पद्धतियों पर शोध करते हुए उन्होंने विभिन्न आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण वर्ष 2000 से ही श्री आयुर्वेद संस्थान के माध्यम से प्रारंभ कर दिया था। लाभकारी परिणामों के कारण जल्द ही उनकी औषधियाँ देश के विभिन्न कोनों में पहुँचने लगी। आयुर्वेद, विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय के पक्षधर हमारे डॉक्टर साहब का पीड़ित मानवता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। रीवा आयुर्वेद कॉलेज से कायाशिल्प व पंचकर्म के शिक्षण कार्य को करते हुए विभिन्न मेडिकल कैंप एवं मुफ्त चिकित्सा शिविरों के माध्यम से गरीब तथा पीड़ितों का उपचार करते रहे। वर्ष 2007 में डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ समय देना शुरू किया और 11 वर्षों में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हजारों लोगों की जीवन शैली को बदला तथा आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया। इन वर्षों में डॉक्टर साहब ने देखा कि आयुर्वेद का व्यापक लाभ मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को नहीं पहुंच रहा। इस दिशा में अगला कदम बढ़ाते हुए उन्होंने फरवरी 2018 में केएमसी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। पर ये हमारा दुर्भाग्य था कि 15 मार्च 2018 को एक सड़क दुर्घटना में डॉक्टर साहब हम सबको छोड़कर चले गए। अब थी उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं और निम्न एवं मध्यम वर्ग में उन्नति लाने का उनका मिशन स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान। इस हानि से उबरने में त्रिपाठी परिवार एवं श्री आयुर्वेद संस्थान को 2 वर्ष लग गए। अब वर्ष था 2020। उनके पुत्र इंजीनियर क्षितिज मणि त्रिपाठी ने डायरेक्ट सेलिंग के महत्व को समझा और अपने पिता के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी उठाते हुए अपने सिविल इंजीनियरिंग कैरियर को छोड़ दिया। 6 मार्च 2020 को केएमसी बिजनेस 9 प्रोडक्ट्स और 100 परिवारों के साथ प्रारंभ हुआ। अब देश के कोने कोने में स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान पहुंचने वाला था। किंतु नियति जिनके हाथों से नेक काम कराने का निश्चय करती है उनको अपनी कसौटी पर परखती भी है। कोरोना महामारी ने विश्व में दस्तक दे दी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित कर दिया। अगले 6 महीने समूचे विश्व एवं हमारे देश के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों पर त्रासदी के रूप में गुजरने वाले थे। विषम परिस्थिति की कसौटी पर खरे उतरते हुए केएमसी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर क्षितिज मणि त्रिपाठी, हमारे प्रथम लीडर सुरेंद्र पांडे एवं अन्य नवोदित लीडरों ने विषम परिस्थितियों में हार न मानते हुए दुगने उत्साह के साथ विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप से केएमसी बिजनेस के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान को हजारों लोगों के बीच पहुंचाया। जैसे ही कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी और जनजीवन सामान्य हुआ, हमने अपने हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट रेंज को आगे बढ़ाया।
साथ ही FMCG और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की। 100 परिवारों से शुरू हमारा सफर अक्टूबर 2020 में 4 KMC शॉपी के माध्यम से 500 से भी अधिक परिवारों तक पहुंच चुका था। इसी माह KMC बिजनेस ने नई छलांग लगाते हुए इलाहाबाद में 2 नई शॉपी लॉन्च की, जिससे प्रोडक्ट की पहुंच अधिक आसानी से हो सके। नवंबर महीने के अंत तक KMC बिजनेस 700 से भी अधिक परिवारों को अपने विभिन्न उत्पादों के माध्यम से लाभान्वित कर रहा था। इस माह हमने 2 नए एक्सक्लूसिव KMC बाजार की शुरुआत की, KMC बाजार रीवा एवं KMC बाजार सतना। साथ ही दिसंबर महीने में संजीवनी पंचतुलसी की लॉन्चिंग के साथ 1000 से ज्यादा परिवार अब KMC बिजनेस के साथ नए दशक में प्रवेश कर रहे थे। अब KMC की मौजूदगी देश के 7 राज्यों में थी। जनवरी माह में नए आयामों को स्थापित करते हुए 9 प्रोडक्ट से शुरू KMC की यात्रा आज 40 से अधिक प्रोडक्ट के साथ लोगों की जीवन शैली में बदलाव ला रही है तथा उन्हें आर्थिक उन्नति की ओर ले जा रही है। इस सफर में टीम KMC ने हजारों लोगों को अपने जीवन की दिशा धारा को बदलने के लिए स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के साथ जोड़ा है। आज ये परिवार लगातार विकसित और विस्तृत होता जा रहा है। चुनौतियों से भरे इस सफर में KMC शॉपी और KMC बाजार चलाने वाले सभी युवा उद्यमी साथी धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। सभी KMC डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज इस ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट में। जय विंध्य, जय हिंद, जय KMC।